बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप लोग दो दो साइट से अप्लाई कर सकते हो। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन मतलब यहाँ से होता है। तो देखिए किस मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो सिंपली बर्थ एप्लीकेशन फॉर बर्थ सर्टिफिकेट और परमिशन फॉर डिले बर्थ रजिस्ट्रेशन। तो देखिए किस यहाँ पर परमिशन फॉर डिले बर्थ रजिस्ट्रेशन है, जिनके पास मतलब बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करके ऑनलाइन पर क्लिक करके और यहाँ पर सबमिट ऑनलाइन पर क्लिक करके देखिए गाइस इसका मतलब फॉर्म आपको यहाँ से भी एप्लीकेशन आवेदन करने के लिए मिल जाएगा आपको। और गाइस आप लोग यहाँ में देखिए, और यह में देखिए गाइस इंग्लिश आसामीस बंगाली बोडो जो भी चाहिए आपको वो आप लोग आप खुद देखिएगा। और यह में नाम वगैरह वगैरह होता है और अपना मतलब डिटेल्स यहाँ में फिलअप करना है। ये तो गाइस बहुत ही ईजी फॉर्म है, आप लोग इजीली ये अपलोड मतलब फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और हमें अपलोड स्क्रीन कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आपको अपलोड कर देना है मैन्युअली फिलअप करके। और रजिस्टर हॉस्पिटल गॉप प्राइवेट ये देखिए गाइस ये डॉक्यूमेंट चाहिए जो भी है, या हमें स्टार मार्क ये वाला स्टार मार्क, तो गाइस ये स्टार मार्क मैंडेटरी है वो आपको यहाँ में देना होगा। स्कूल सर्टिफिकेट एडमिट कार्ड जो भी है वो देना है, एफिडेविट एक आपको क्रिएट करना है। उसके बाद में देखिए गाइस ये हमें एफिडेविट है और ये हमें एनी अदर डॉक्यूमेंट है, उसके बाद में सिंपली ये हमें सब कुछ देके सबमिट बटन पर क्लिक करके आप लोग प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब ये परमिशन फॉर डिले बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग मतलब यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गया एक साइट, और भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ गाइस। उसके बाद में देखिए गाइस ये है सेवा सेतु पोर्टल, यहाँ से भी आपका मतलब यहाँ में जाना पड़ेगा सर्विस पर, और यहाँ में CSC या तो PFC या तो सर्विस अवेलेबल ऑनलाइन पर जाके आप कोई भी एक पर क्लिक करके आप लोग इजीली जा सकते हो, देख सकते हो। और उसके बाद में बर्थ रजिस्ट्रेशन इस तरीके का होगा यहाँ से CSE से। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ में सिंपली आपको नेम दे देना है जो भी है, मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ मेरा ही नेम देके। तो देखिएगा CA मैं दे चुका हूँ। उसके बाद में यहाँ में मोबाइल नंबर कोई भी आप लोग दे दीजिए, और उसके बाद में आपको यह हमें एड्रेस लिख देना है जो भी है आपको आपका एड्रेस, और उसके बाद में देखिए हमें एड्रेस टू में जो भी है वो लिख दीजिए, मैं जस्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और यह हमें पिन कोड आपका एरिया का पिन कोड जो भी है वो दे देना है, और यह प्रोसीड बटन पर क्लिक करके आर यू श्योर है, तो गाइस यहाँ पर प्रोसीड, और प्रोसीड पर जाके देखिए मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ आप लोगों को, प्रोसीड पर जाके यहाँ में आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये एक प्रोसेस है, दो तरीका है मतलब अप्लाई करने के लिए। ये आप लोग देखिए गाइस इस तरीके का आपको फॉर्म मिल जाएगा। और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ है हमें आपका जो भी है, मेल फीमेल नेम ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जैसे आधार कार्ड नंबर और फादर नेम मदर नेम ये सब कुछ होता है, और आपका मतलब सारा कुछ डिटेल दे के हमें आप लोग सेव करके प्रोसीड कर सकते हो। ये हो गया गाइस बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का मतलब न्यू पोर्टल। और उसके बाद में देखिए गाइस और भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ बैक जाके, और सर्विस पर जाके बर्थ रजिस्ट्रेशन देखिए गाइस डिले बर्थ BIRTH। तो यहाँ पर देखिए गाइस परमिशन फॉर डिले बर्थ रजिस्ट्रेशन है, ये बर्थ रजिस्ट्रेशन दिखा रहा था अभी मैं, अभी देखिए परमिशन फॉर डिले बर्थ रजिस्ट्रेशन यहाँ से भी होता है गाइस, ये ई डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट पोर्टल से भी और यहाँ से भी होता है, बट ई डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट पोर्टल में थोड़ा कम चार्ज रहेगा, ये हमें थोड़ा ज़्यादा चार्ज हमें लगेगा। तो गाइस इसीलिए गाइस मैं आप लोगों को ये डिफरेंस बता रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ कहाँ से करने से अच्छा रहेगा। तो गाइस कहाँ से करने से अच्छा रहेगा ये आप लोग अपना हिसाब से डिसाइड करिए, बट बनेगा मतलब आपका अप्लाई होगा दो ही साइड से, मतलब सेम प्रोसेस है, और आपको मतलब पोर्टल चेंज है, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पोर्टल है, बट एक ही प्रोसेस है, मतलब एक ही चीज आपको हमें फिलअप करना पड़ेगा। तो परमिशन फॉर डिले बर्थ रजिस्ट्रेशन पर सिंपली अप्लाई कर देना है, और यहाँ पर अप्लाई कर देने के बाद में देखिएगा इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। परमिशन फॉर डिले बर्थ रजिस्ट्रेशन अप्लाई पर क्लिक कर देना है, अप्लाई पर क्लिक करते ही गाइस यह हमें आपका मतलब फॉर्म खुल के आएगा। अभी इसका किस तरीके का फॉर्म खुल के आएगा वो भी मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिएगा इस तरीके से माई एप्लीकेशन बोल के शो होगा, फॉर्म फॉर परमिशन फॉर डिले बर्थ रजिस्ट्रेशन, और ये देखिएगा इस हमें स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट फॉर डिलीवर्ड, ये में टाइम लिमिट भी सब कुछ दिया हुआ है 10 डेज है, और ये में फीस कितना कितना चार्जेस लगता है वो भी दिया हुआ है। अपना आप लोग अपना हिसाब से हमें देखिएगा तभी आपको पता चल जाएगा, और ये में देखिएगा नेम वगैरह वगैरह है। तो बस ये फॉर्म तो आप लोग इजीली फिलअप कर सकते हो, फादर नेम मदर नेम अपना एड्रेस ये सब भी होता है, और आपको हमें सेव नेक्स्ट करके आप लोग आगे बढ़ सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो।
बस यहाँ से दो तरीके से आप लोग मतलब दो साइड से आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और बर्थ रजिस्ट्रेशन भी होता है, डिले फॉर बर्थ रजिस्ट्रेशन भी होता है। तो वैसे यहाँ से भी होता है, मैं दिखा रहा हूँ, ये हो गया ई डिस्ट्रिक्ट एम्प्टन का साइट, और उसके बाद में ये हो गया, तो ये हो गया सेवा सेतु का मतलब साइट, तो यहाँ से भी होता है। तो अगर आपको करना है तो वैसे आप लोग इन दोनों में से कोई भी साइट से आप लोग करिए, आपका हो जाएगा, और जो भी चाहिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दिया। और अगर आपको और भी अच्छे तरीके से देखना है रिक्वायरमेंट, तो वैसे यहाँ पर देखिए रिक्वायरमेंट पर क्या क्या लगता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये देखिए आप लोग ये नोट करके रख सकते हो, अपना हिसाब से पढ़िए। और यह में आप लोग टाइम लिमिट देख सकते हो, CSC का चार्ज देख सकते हो, और यह में कन्वीनियंस फीस आप लोग यह में देख सकते हो 10 रुपीज़। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख दीजिए, इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।